बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं 7 टॉपिक्स। इन 7 टॉपिक्स में क्या हम पढ़ने लगे हैं, क्या होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये सब हम देखेंगे। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। मैं इस टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि आखिर ये प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, नाम से लग रहा है कि प्रोजेक्ट मींस प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जो एक ड्यूरेशन तक हो और उसका कोई रिजल्ट निकले। अप्रेजल, अप्रेजल यानी उसको इवैल्यूएट करना, उसे देखना कि ये प्रोजेक्ट में काम करना, इसमें टाइम लगाना, अपनी रिसोर्सेज लगाना क्या फ़ायदेमंद रहेगा, क्या कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा, क्या ये प्रोजेक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमा के देगा, क्या ये लॉन्ग बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन और हर कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही होती है। अब इसकी छोटी सी अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कोई कंपनी ये मार्कर्स बनाती है, तो अब वो सोच रही है कि चलो मैं मार्कर्स के साथ साथ बोर्ड्स भी बनाते हैं, चलो बोर्ड्स भी बनाते हैं, बोर्ड्स की भी मार्केट इन है, लेट्स मेक बोर्ड्स। इट्स अ प्रोजेक्ट कि आपने एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपना टाइम, अपना पैसा, कैपिटल, मनी, अपना लेबर, अपनी एक्सपर्टीज, मशीनरी और अपनी जगह। तो वही रिसोर्सेज जो आपके पास थे, आप मार्कर बनाने में लगा रहे थे, अब वो डिवाइड हो जाएगा और अब आपने एक और प्रोडक्ट को स्टार्ट कर लिया है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आपको वही रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिफोर गेटिंग ऑन टू दैट प्रोजेक्ट और बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट, अ कंपनी मस्ट मेक अ प्लान, मस्ट मेक एन अप्रेजल। उसको अप्रेजल करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, इस प्रोजेक्ट में अपना टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी लगाना क्या फ़ायदेमंद है भी या नहीं, या हम कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे, हम कहीं अपना सब कुछ ज़ाया तो नहीं कर रहे, अपनी तवानाई, अपने रिसोर्सेज। सो प्रोजेक्ट अप्रेजल इज़ ऑल अबाउट दैट कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट वर्थ इट है या नहीं, हमें इतना रिटर्न करेगा या नहीं। प्रोजेक्ट अप्रेजल, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मुख्तलिफ वक्तों में आते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के साथ आते हैं। कभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, कभी प्रोजेक्ट ऐसा आ जाता है कि जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज होते हैं मगर कोई बेनिफिशियल प्रोजेक्ट नहीं नज़र आ रहा होता। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एक कंपनी किस तरह से ये फैसला करेगी कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा सेकंड टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब इसमें 4 मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला मेथड है पेबैक पीरियड, दूसरा मेथड है NPV दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा मेथड है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड चौथा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ IRR। इन सब मेथड्स को हम 1 by 1 देखेंगे, इनके सम्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 3rd टॉपिक, पेबैक पीरियड हमें समझना है क्या होता है। 4th टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसे कहते हैं। 5th टॉपिक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है। 6th टॉपिक, रेलिवेंट एंड नॉन रेलिवेंट कॉस्ट एंड लास्ट टॉपिक, सम रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 1st टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, जिसमें कि 1st मेथड आएगा पेबैक पीरियड। प्रोजेक्ट अप्रेजल का पहला मेथड पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड कहते किसे हैं? बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट में, फ़र्ज़ करें वो 10 लाख इन्वेस्ट कर रही है, अब वो 10 लाख रुपए वो प्रोजेक्ट कितने दिनों में या कितने महीनों में या कितने सालों में वो 10 लाख वापस लौट आएगा बिजनेस को, दैट इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। कि जितना इन्वेस्ट किया वो कितने अरसे में वापस आएगा, ये पता लगाना है। तो ये पता कैसे लगाएंगे, ये हम सम के थ्रू देखेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन की तरफ नज़र डालते हैं। द पे बैक पीरियड इज़ द टाइम टेकन फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड इन द कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे की वर्ड क्या हुए या की टर्म्स क्या हुए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसमें इनिशियली एक अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है,
ऐसा नहीं कि वंस यू इन्वेस्टेड इट इनिशियली के बाद में और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 6 महीने बाद वो प्रोजेक्ट और डिमांड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने बाद भी फिर डिमांड करेगा पैसे, साल बाद भी डिमांड करेगा, लेकिन हमें क्या पता करना है कि जो इनिशियली कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है शुरू में, जब बिजनेस पैदा हुआ या वो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, तो जो कैपिटल हमने लगाया है वो कैपिटल हमें कितने अरसे में वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, वो प्रोजेक्ट हमें वापस करेगा, कमा के वापस करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रोजेक्ट एक्स हैज़ द फॉलोइंग कैश फ्लोज। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम एक्स है और उसका कुछ इस तरह से एस्टिमेट निकाला गया है कि पहले साल ईयर ज़ीरो आज के दिन मतलब ईयर ज़ीरो में मुझे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जिसमें 1,05,000 रुपये प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्ट किए। ईयर वन में मुझे इस प्रोजेक्ट ने 25,000 रुपये कमा के दिया। ईयर टू में इस प्रोजेक्ट ने मुझे 35,000 कमा के दिए। ईयर थ्री में 35,000 कमा के दिए। ईयर फोर में 40,000 कमा के दिए और ईयर फाइव में 50,000 कमा के दिए। अब मुझे ये पता लगाना है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एक्सेस पे बैक पीरियड, कि ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में मुझे ये 1,05,000 रुपये कमा के वापस देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन अमाउंट्स को इस अमाउंट से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड, आई सब्ट्रैक्टेड 1,05,000, आई सब्ट्रैक्टेड 25,000, आई सब्ट्रैक्टेड 35,000, आई सब्ट्रैक्टेड 35,000 फ्रॉम 1,05,000। जब मैंने इन तीनों अमाउंट्स को इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो बैलेंस फिगर बचा वो था 10,000। ओके, अब ये 10,000 जो मेरे पास बचा ये मुझे चौथे साल में जाके रिटर्न किया इस प्रोजेक्ट में। मुझे एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि कितने मंथ्स बाद मुझे इस प्रोजेक्ट ने 10,000 रुपीज़ जो बचे हुए थे वो भी वापस कर दिए। तो एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, 10,000 जो कि बैलेंसिंग अमाउंट है डिवाइड किया बाय 40,000 जो कि चौथे साल की रिटर्न है जो इस प्रोजेक्ट ने दिया। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो है 0.25। अब मैं अगर इस 0.25 को मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आराम से किया जा सकता है बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 12। ओके, सो वी मल्टीप्लाइड इट बाय 12। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3 मंथ्स में वापस हुए हैं। ये 10,000 3 महीनों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट ने वापस किया। अब मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एक्सेस पे बैक पीरियड। मुझे तो टोटल पे बैक पीरियड पता लगाना है कि ये टोटल 1,05,000 की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये प्रोजेक्ट ने मुझे कितने अरसे में वापस की। तो मैंने देखा इसने 3 साल और 3 महीनों में मुझे इस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस की। सो द आंसर इज 3 years + 3 months। आप 3.25 years भी लिख सकते हैं और आप 3 years + 3 months भी लिख सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको सवाल में ऑप्शंस क्या गिवन है। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आ गया कि पे बैक पीरियड किसे कहा जा रहा है और उसे किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पे बैक पीरियड हमने समझा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, हमने देखा कि उसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में रिटर्न बैक हो रही है ये हमने देखा। अब हम देखने लगे हैं कि एडवांटेजेस क्या है पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के, या पे बैक पीरियड को एज एन एनालिसिस इसको यूज़ करने के लिए उसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान आते हैं। ऑलराइट, एडवांटेज नंबर वन, ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है, समझना भी आसान है, एक लेमैन भी समझ सकता है। इसके लिए अकाउंटेंट होने की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है, एक मैनेजर को ये बात आराम से समझ आ सकती है कि अगर किसी भी कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं, देर आर 3 projects, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी, अब तीनों में से कौन से प्रोजेक्ट को लिया जाए, किस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, तो पे बैक पीरियड के थ्रू हम तीनों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं और फिर हम ये फैसला कर सकते हैं कि अच्छा कि कौन सा
प्रोजेक्ट है कि जो हमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लौट आएगा। इस प्रोजेक्ट ने 3 साल 3 महीने लगा दिए, हो सकता है प्रोजेक्ट भी 2 सालों में दे दे, हो सकता है प्रोजेक्ट सी 1 साल में दे दे, तो यकीनन फ़ायदा कंपनी को उसी में ज़्यादा नज़र आएगा कि जो प्रोजेक्ट उन्हें उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्द अज जल्द लौटाए। ऑल राइट, सो ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, आसान है, जल्दी हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, widely used in practice as a first screening method, इसको बहुत widely use किया जाता है as a first screening method, यानी कोई भी और method को use करने से पहले payback period को ज़रूर निकाला जाता है, find out किया जाता है, क्योंकि यह आसान है और ये एक पहला stage है एक तरह से, ये appraise करने का, किसी भी project को appraise करने का ये पहला method है। Next, its use will tend to minimize the effects of risk and help liquidity because greater weight is given to earlier cash flows. Its use will tend to minimize the effects of risk and help liquidity because greater weight is given to earlier cash flows. अब ये क्या करता है, ये बेसिकली रिस्क फैक्टर को कम करता है। जब हमें पे बैक पता चल जाएगा, अब मैं अगर नई इन्वेस्टर हूँ, मुझे डर लगा रहेगा कि भाई मैं 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट आखिर क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, पैसे से पैसा कमाने के लिए कि मैं, मेरे पास जो सेविंग्स हैं वो मैं इन्वेस्ट करूंगा तो उससे ज़्यादा पैसा आएगा, डबल हो जाएगा, मेरा 10 लाख 15 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा 10 लाख 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। यकीनन कोई भी अपना पैसा डुबाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, तो एटलीस्ट मुझे ये डर लगा रहेगा बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन इन्वेस्टर, कि भाई मेरे जो 10 लाख है मैं लगा रही हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो वेस्ट मुझे कमा के भी देगा या नहीं, वो तो बात की बात है। ऐसा ना हो कि मेरे 10 लाख भी जाएँ, 10 लाख तो कम से कम मुझे वापस मिल जाए ना। तो इसलिए हर इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है, वो बोलते हैं कि भाई वो कितने साल में मेरा जो बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने सालों में मुझे वापस मिल जाएगी। तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ये क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है रिस्क को और हेल्प करता है लिक्विडिटी में। हेल्प करता है लिक्विडिटी में ये कैसे, अब जितना जल्दी पैसा जो मैंने लगाया है वो मुझे वापस मिलेगा, मेरा हाथ खुला होगा, मैं उस पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में लगा सकती हूँ या रीइन्वेस्ट कर सकती हूँ और मज़ीद पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन अगर वो पैसा उसी प्रोजेक्ट में ब्लॉक रहा 5 साल तक 10 साल तक और वो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही मुझे नहीं लौटा पा रहा, तो इट्स अ वेरी बैड एंड ट्रैजिक कंडीशन कि आपका 10 लाख रुपए आपके 5 सालों में 6 सालों में 10 सालों में वापस ही नहीं आया जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आप मज़ीद आगे बिजनेस कैसे करोगे, आपका तो आपके पैसे ब्लॉक हो गए, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते कहीं और। तो इस बात को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये जो पैसे हैं हमें जल्द अज जल्द, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी प्रोजेक्ट हमें लौटा के देगा। नेक्स्ट, इट आइडेंटिफाइज क्विक कैश जनरेटर्स, ये फाइंड आउट कर लिया प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी का, तो फटाफट पता चल गया कि अच्छा कौन से प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसा आने वाला है। कैश फ्लो का हमारे पास डेटा आ गया, हमें पता चल गया ये कितने सालों में इसने हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट लौटा दी और आगे कितने सालों में कितने पैसे आने हैं। तो ये इट आइडेंटिफाइज क्विक कैश जनरेटर्स कि कौन सा प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द हमें कैश जनरेट करके देगा, दैट्स अ पॉइंट। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इज इग्नोर्ड, डेफिनेटली हमने यहाँ पे सवाल को यहाँ पे स्टॉप कर दिया 4th साल में आके कि भाई 3 साल 3 महीने में मेरे ये पैसे वापस आ रहे हैं, दैट्स इट, मैं दूसरे प्रोजेक्ट का मैंने पे बैक पीरियड निकालना शुरू कर दिया, इस प्रोजेक्ट को मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मुझे पता चला 3 साल 3 महीनों में मेरे पैसा आ जाएगा, तो मैंने अब प्रोजेक्ट बी का निकालना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट सी का निकालना शुरू कर दिया। मैं आगे तक इसका नहीं पता मुझे कि 5वें साल के बाद भी ये मुझे कितने पैसे जनरेट करके देगा, क्या ये एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट माना जाएगा या नहीं, क्या ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट साबित होगा या नहीं। सो दैट्स वाई टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इज इग्नोर्ड इन पे बैक पीरियड एंड दैट्स वाई इट्स अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ इग्नोर्ड। अब जैसे कि आपने देखा, पहले साल में 25,000, दूसरे साल में 35,000, तीसरे साल में 35,000, लेकिन ये कब परफॉर्म किया जा रहा है? ये आज की तारीख में परफॉर्म किया जा रहा है। और आज की तारीख में एक साल बाद के 25,000 की वैल्यू आज की तारीख में वो नहीं होगी, कुछ और होगी। दो साल बाद 35,000 की वैल्यू कुछ और होगी, तीन साल बाद 35,000 की वैल्यू कुछ और होगी। तो इसमें जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जा रहा। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम इसको इन डिटेल देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है जिसको पे बैक पीरियड इग्नोर कर रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर्स एनी कैश फ्लोज दैट अकर आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज़ पेड फॉर इट सेल्फ। ये बाकी सब कैश फ्लोज के बाद के सालों में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इट डजेंट बॉदर। यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया कि हाँ, तीन साल तीन महीने में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई है वापस, दैट्स इट, वी आर सेटिस्फाइड, हम मूव ऑन कर जाते हैं, हम आगे नहीं देखते। नेक्स्ट, द कट ऑफ पीरियड फॉर डिसाइडिंग वॉट इज एक्सेप्टेबल इज आर्बिट्ररी। कट ऑफ पीरियड आर्बिट्ररी है, डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे लिए तीन साल तीन महीने इट्स फाइन, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और ये हो सकता है कि आपके लिए इट्स नॉट फाइन, आपको एक साल में वापस चाहिए अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत आर्बिट्ररी होता है कि आपके लिए क्या ओके है और दूसरी कंपनी के लिए क्या ओके है, क्या एक्सेप्टेबल है। सो इट्स वेरी आर्बिट्ररी, इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर।